मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। सोनिया गांधी ने आज अपना नामांकन जयपुर में कर दिया है। सोनिया गांधी पहले रायबरेली से लोकसभा में चुनी गई थी, लेकिन अब रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने 14 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। विधानसभा पहुंचने पर सोनिया गांधी का कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। यहां उन्होंने पार्टी के विधायकों से मुलाकात की और फिर अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के लिए 40 प्रस्तावक बनाए गए थे, जहां से कभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, वहां से अब सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद बनेंगी। नामांकन दाखिल करने के बाद सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा से सीधे एयरपोर्ट पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना हुए। सोनिया गांधी के नॉमिनेशन पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने खुशी जाहिर की है और सोनिया गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। आई विल मिस हर, शी इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड डिग्निफाइड मेंबर्स वी हैव वर्कड विद। शी कैरीज हरसेल्फ एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वेल विद क्लास एंड डिग्निटी। शी इज ऑलवेज स्पोकन इन पार्लियामेंट। हर अटेंडेंस, हर प्रेजेंस हैज बीन अमेजिंग। शी इज वन ऑफ द सीनियर लीडर्स इन इंडिया who was always in parliament. She's always very, very punctual. She's there for all important debates. So we will definitely miss her. And I will personally miss her because I sit right behind her. So I've had the privilege and the honor of working with Sonia ji for many years. I wish her all the good luck in the world and the best health. And I will definitely miss her in Lok Sabha. जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।